देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम जब से घर में कदम रख ले बानी, ये पहला अच्छा खबर है। तेरे पत्नी से, घर के सास से, चाहे हमके लाख शिकायत होके, पर आज खुशखबरी सुना के दिल खुश कर दिया लस गुड्डन बहू। आप लोग जैसे सोचा था नहीं, ऐसा नाता बाव ना ही कबो हो सकेला। जब तक तू अच्छी बहू, अच्छा पत्नी, अच्छी माँ ना बन जा, तू अच्छा सास ना बन सकेलो। और जब तक तू खुद के अच्छा पत्नी साबित ना कर सकेलू, तब तक तू जिंदल परिवार का हिस्सा ना बन सकेलू। आपके सोच आपके आंख पे ऐसन पट्टी बांध के रख ले पा के आपके ई तक ना दिखत पा के आप एगो औरत होते भइल, एगो दूसर औरत के सम्मान के ठेस पहुंचावत है। एगो छोट से काम ना कर पावता नहीं आप लोग, ये आपके ड्यूटी बा, ये भी हमके आपके याद दिलावे के पड़ी। यू हैव टू फाइंड हर। हमने हर जगह कोशिश करी गुड्डन जी के खोजे के, बाकी वो कहीं ना मिलनी। कहां जा सकेली गुड्डन, मिलत काहे नहीं के क्यों के? इतना सब कुछ हो गया दी के साथ, अंकल जी वो ठीक तो हुई है ना, वो कोनो मुसीबत में था? रेवती जी हम जाना था नहीं, गुड्डन भाभी के साथ सही ना भइल बा, लेकिन ये वक्त स्ट्रेस लेवल से ज्यादा जरूरी बा, उनका पता लगाई। हम तो उनको ढूंढत यहाँ तक चली नहीं, भाई भी वहाँ बहुत परेशान बाड़न, उनके ढूंढ भी रहल बाड़न। आप उनका कोनो फ्रेंड के जाने ली जहाँ आपके लगे ला कि भाभी हो सकेली? अंगद जी हमरा ऐसा कोनो दोस्त के तो पता नहीं की जहाँ पे दी गए हुई है। हे भगवान, बस दी ठीक हो के। अंगद जी हमरा कुछ समझ ना आ रहा की का करी, हमरा समझ ना। रेवती जी, रेवती जी, रेवती जी, आप ठीक थे बड़ी? सासू माँ आ जाइए वापस दादी, देखिए हम दवाई और पानी लेके आयल बानी आपके खातिर, खा ली प्लीज। दादी खाए के तो पड़ी ना, ना तो सासू माँ आई और हमरा पे चिल्लाई है, बोली हम आपके ध्यान ना रखनी। प्लीज दादी खा ली। दुर्गा दी, मतलब गुड्डन के साढ़े साथ ही हमने के घर से उतर गए? हमने के जोड़ी कितना धांसू बना, मतलब देखी सांप भी मर गए और क्योंकि शक भी ना भय कि लाठी हम दोनों चले ले रहनी है ना। तू चुप कर बू, पूरा टाइम चपड़ 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 अभी तक तक केहू के पता ना चलल बा, बाकी तू ऐसे ही बड़बड़ करत रहलू ना तो सबके पता चल जाए। चुप करा। अंगद का हो गेल, गुड्डन मिली ना? भाई गुड्डन भाभी कहीं ना मिल रहा बड़ी। पुलिस से तू दोनों से अंगद से केहू से ना हुई, हमके खुद जाए के पड़ी ढूंढे। पर बेटा तू कहां जेब हो के ढूंढे, हम गुड्डन के ऐसे पहले कभी इतना उदास ना दिखने। पता ना कहां हो के हमार बच्चे। मां हम जाना था नहीं, हम जाना था नहीं कि गुड्डन कहां मिली। इनफैक्ट आप ही समझी के मिल गई। पर तू कमरा में कहां जा रहा बड़ा, ये ऊपर कहां जा रहा बड़े? Thank you.
आपके कैसे पता चला अम्मी जबानी? दोस्त बानी तहार और एगो अच्छा दोस्त के अपन दोस्त के सारा सीक्रेट्स पता हो खेला। ये हमरा सवाल के जवाब ना भर। तहार सवाल के जवाब तहार बात में बा गुड्डन। तहरा याद बा तू हमके एक बार बताइले रह के जब तू बहुत छोट रहलू त तहार माँ तहरा कोना बात पे बहुत डटले रहली और तू इतना उदास हो गेल रहलू के तू अलमारी में जाके छिप गेल रहलू। आज शायद तू जिंदगी में दूसरी बार इतना उदास भइल बा, शायद सबसे ज्यादा उदास। तू कहां मिलबू ई ताल बस रहना। हमार इतना बड़बड़ करे के बाद भी आपके हमार बात याद रहला। तहार ई बड़बड़ में ही त तू कितना बार समझदारी के बात करेलू बुटन। कुछ ना करे नी करेलू और तहरा अपनी समझदारी बुआ जी के दिखावे के पड़ी। हमरा नहीं के लागत की बुआ जी कुछ गलत कहतरी, सब सच्ची त कहली ना। नहीं तो मैं वो अच्छा सास बन पैनी, ना एगो अच्छा बहू और ना ही एगो अच्छा पत्नी। लेकिन ये उनकर सच बा, गुड्डन के सच नहीं है। तारा बुआ जी के सामने आपन सच के लावे के पड़ी। दुनिया के नजर से हट के आपन नजर में तारा खुद के साबित करे के पड़ी। गुड्डन प्रॉब्लम सिर्फ परछाई की तरह हो खेला, ना उनसे कबो पीछा छुड़ाई जा सकेला और ना ही उनसे कहूं भाग के दूर जाई जा सकेला। पर हाँ, उनके सलूशन निकाल के उनके साथ चलल जरूर जा सकेला और वैसे भी उनसे भाग के हासिल का कर दू। ऐसे डर के परेशान होके कब तक कब्र में छुपल रहू? तू बुआ जी के गलत साबित करे चाहता रहता तब तारा खुद पे भरोसा रखे के पड़ी। तारा उनके साबित करके दिखावे के पड़ी कि काहे तहार भी तरीका सही बा कि एगो सास और बहुत दोस्त बन के रह सकेले, कि एगो पति और पत्नी के रिश्ता सिर्फ एगो फिजिकल रिश्ता पे डिपेंड ना करेला और वैसे भी एगो पति और पत्नी के बीच के बाद बा इनके जग जाहिर ना कर जा सकेला। आज ई सवाल एगो पत्नी एगो बहु एगो सास से कल गई बना तो ओकर जवाब भी एगो पत्नी एगो सास और एगो बहू ही दे। तू देबू इनकर जवाब। पता नहीं पर हमरा नहीं खिलागत आपके मदद के बिना हो पाई। बिल्कुल ऐसा ही एगो चूजा यानी एगो मुर्गी के बच्चा के लागल रहे। मतलब पता बगुडन बचपन में हमनी के घर के पास एगो एगो पेड़ के नीचे एगो मुर्गी एगो अंडा दे ली। चकरा में से एगो मुर्गी के बच्चा बाहर आवे की कोशिश करत रहे अपना दम पे जैसे हो खेला। बहुत मुश्किल होत रहे ओकरा, बहुत स्ट्रगल करत रहला हो और दूर बैठ के एगो छोट से बच्चा ही प्रोसेस देखलस और ओकरा लागल के जाके चूजा के मदद कर जाए और वो जाके वो अंडा के शैल के जरा से तोड़ देलस ओकर हेल्प करे खातिर। हाँ। लेकिन पता भा का भेल? का भेल? वो मुर्गी के बच्चा मर गए और ये बात जब वो छोटा से बच्चा जाके अपन पापा के बतैलस रोत भेल तब ओकर पापा ओकरा तब समझेले के अंडा के परत के तोड़ के बाहर निकलल ई एगो चूजा के पैदा होके के प्रोसेस होखेला। अब ये बात छोट से बच्चा तना जानत रहेला, उ तो बस ओकर मदद करे चाहत रहे एगो दोस्त होके के नाते। लेकिन दोनों ही अनजान रहले के जिंदगी में हमनी के जौन स्ट्रगल होखेला ना वो हमनी के खुद करे के पड़ेला। आप एक दूसरे के साथ खड़ा रह सके नहीं मदद करे खातिर, पर अंत में करे के खुद के ही पड़ेला। पता बहु छोट बच्चा के रहे आप? हाँ हम। गुड्डन आज बुआ जी तरह आस पास अंडा की शैली परत बने ले बाड़ी ना, एकरा तोड़ के बाहर तू निकल बू। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, तरह सपोर्ट करे खातिर, तरह मोटिवेट करे खातिर, तहार दोस्त बन के तहरा साथे खड़ा रहे खातिर। पर करे के तो तहरे ही के ही पड़ी, तहरा साबित करके दिखावे के पड़ी गुटन के रिश्ता चाहे जौन भी होके उस सास और बहू के रिश्ता, एगो पति और पत्नी के रिश्ता या फिर कौनो भी दोस्ती बहुत जरूरी होखेला। काहे कि दोस्ती ही होखेला जो कौनो भी रिश्ता के ढाल बन के खड़ा रहेला। और सिर्फ यही खातिर कहें कि हमनी के बड़ बुजुर्ग कुछ रीति रिवाज कुछ परंपरा बनाई ले पड़े, ये जरूरी नहीं है
कि हमने आंख और दिमाग बंद करके उनके जिंदगी भर बस फॉलो करता तरह जाके बुआ जी के इस साबित करे के पड़ी के तहार विश्वास भी सही बा। Get up and go prove yourself good done. तारा से हो पाई। रेवती जी, हम आंटी जी के फोन कर दे ले बानी, वो मंदिर से आवत हो खियान, आप ये पी ली, यू विल फील बेटर। लेकिन अंगद जी, गुड्डन दी ठीक तो हुई है ना? हेलो हेलो रेवती जी, सॉरी हम आपके ऐसे फोन करनी, बाकी डिस्टर्ब ना कर चाहत रहनी, हमरा लागल आप टेंशन में हो, कब तक आपके बता देता नहीं, आपके बहन गुड्डन मिल गई बाड़ी। का ती मिल गई? वो ठीक तो बाड़ी ना? हाँ, थोड़ा मेहनत लागल, पर हूँ तो पुलिस वाला ही ना, ढूंढे निकालनी आपके बहन के, और वो सिर्फ आप खाते। गुड्डन भाभी मिल गई बाड़ी? हाँ गजी, गुड्डन दी मिल गई। थैंक गॉड, थैंक यू। हमरा भाई भाभी के पास जाए के चाहे, उनके हमारे जरूरत होगी, आप अपन हाँ। ध्यान रखब रहे होती जी, हम जाता नहीं। अंगद जी, अंगद वो पागल वहाँ का करता रेवती, का चल का रहल बा तू दोनों के बीच, इन्फॉर्म करे खातिर थैंक्स। देखा रेवती, कोनो भी मर्द हमार रेवती के आसपास भी घूमे वो हम बर्दाश्त ना कर सकेला, और ये अंगद पगलेट कुछ ज्यादा ही भटक रहा बा, अगर ऐसे ही चलत रहल ना ते पगलेट के नाम के आगे लेट हमरा के लगाए के पड़ी, और वो भी बहुत जल्द। चोनी एमे से केहू एक के चुनी, हमने के लल्ला के बीवी, एक घर के सास के रूप में। दीदी और गुड्डन, आपकी गुड्डन तो दोस्ती का दुकान लेके घूम रहा है भैया। भाभी आप ना कुछ समझे नहीं ना, आपके आंख पर पट्टी बांध के रख ली भैया वो गुड्डन, लेकिन हम हमारे लल्ला के जिंदगी बर्बाद ना होके दे। एगो अच्छा सास, एगो अच्छा बहुत आपके गुड्डन ना बन पावलस, चल कौनो बात ना, हम सिखा देते नहीं, लेकिन एगो अच्छी पत्नी, एगो अच्छी पत्नी कैसे होखेले, एगो पत्नी का धर्म होखेला अपने पति के प्रति, इहो सिखावे के होखी ओके। चल पसंद करी, हम खुद छाट के रख ले बानी रिश्ता, अतना सुशील समझदार बहु पूरा इंदौर में ना मिल सकेली, यही में से बनी एक हमारे लल्ला के पत्नी, एक घर के सास। गलत,
गलत बाबुआ जी, हम कहीं ना जाए। एक सास के होते हुए घर में दूसरा सास के लेके आई, गलत बा। एक पत्नी के होते हुए पति के दूसरी शादी के बारे में सोचल, गलत बा। और कुछ पल खाती तो आपके कहला पर हम भी मान ले रहे कि हम गलत बानी। ई भी गलत बाबुआ जी। बहुत मौका देनी हम तोहरा के हम ती गलत साबित करे खातिर, लेकिन एक बार भी ओ मौका पर खरा उतरल तोहरा से ना हो पाइल गुड्डन। अत तो जल्दी भुला गेलू अपन रिश्ता पे लगल सवाल के। कुछ नहीं किए भूलल बुआ जी हम, मगर फिर भी एक मिनट खाती मान लेता नहीं कि आप सही बनी और हम गलत। पर बुआ जी, जिंदल साहब और हमरा बीच के दोस्ती के रिश्ता तो झूठा नहीं है ना। आप एक बात बताएं, अगर हमार शादी ऊ हालात में ना भेल रहित, अगर हम और जिंदल साहब ठीक हुई सही मिलल हुई थी बुआ जी, जैसे आमतौर पर बाकी लोग मिलेला, तका फिर भी आप ये कहती बुआ जी, अगर हम बाकी लोग की तरफ पहले मिलती, जान पहचान बढ़े, दोस्ती होई, फिर प्यार और फिर शादी, पर हमरा और जिंदल साहब के तो ये सब के मौका ही ना मिलल ना। तो एक ये मतलब तो नहीं है ना कि हम एक हकदार ना ही। मननी आपके हमार तरीका सही ना लगेला, पर एक बार आप खुद सोची सोची कि लक्ष्मी जी हमरा से अपन सारा बात ना कह पाई थी का? लक्ष्मी जी हमरा से अपन दुख सुख सारा खुशियां ना बांट पावेली ना। और का बुआ जी आप अपना खाती बात कह पाई? बुआ जी, का आपकी शक्ति के चलते दुर्गा जी आपकी वो सब बात कह पावेली जो शायद वो केहू से ना कह पावेली? बुआ जी, हमने के आपके इज्जत करे नहीं जा, बहुत इज्जत, और खास करके दादी जे आपसे उम्र में बड़ी होके के बावजूद भी एगो ननद भाभी के रिश्ता के ओदा के मान रखते हुए भी अपना आपकी छोट माने ली, तो बुआ जी वो तो एगो रिश्ते भइल ना, इज्जत के रिश्ता। और फिर जब कोनो रिश्ता से इतना तकलीफ ही नहीं है, तो दोस्ती के रिश्ता से इतना सारा तकलीफ का है? अपने बात में गोल गोल घुमा के हमने के रिश्ता का नया मायना सिखाइबू। ना बुआ जी, हम खाली इतना कहता नहीं कि जोना दोस्ती के रिश्ता पे आप अपना सवाल उठावता नहीं, जिक्रा कि आप इतना गलत समझता नहीं, उहे रिश्ता हमरा के सही राह दिखावलस। जिंदल साहब हमार दोस्त, उनकी दोस्ती के वजह से बुआ जी हम आपके सामने खड़ा होके हमार सच हमार नजरिया आपके सामने रखवावता नहीं, हम आपके बता पावता नहीं कि यह दोस्ती के वजह से दोस्त दोस्त दोस्त। ए जिंदल भवन के दोस्त के ना एगो सास के जरूरत बा, जो ने घर के सख्ती से अनुशासन से चलावे, जो ने घर के रीति रिवाज समझ सके, एगो बहु के जरूरत बा जिन पूरा परिवार के जोड़ के रखे, और एक एक पत्नी के। पत्नी के मतलब भी जाने लो नहीं ना, तब बस तय हो गई गुड्डन, तोहरा से एमे से कोनो रिश्ता निभावन ना हो पाई। अगर हम पत्नी होके के मतलब ना समझे नी बुआ जी, तो फिर ये भी ना समझे ले
गुड्डन। दुर्गा दी, यहाँ तक बात हाथ से निकल जाता, ये देखा। आज न तकली होके के ही रहे, अच्छा बात बा। अब कान्हा जी खुदे गुड्डन के बाहर के रास्ता दिखाई। का गलत कहनी बुआ जी हम? अगर आप हमरा और हमरा पति के दोस्ती के रिश्ता पे सवाल उठावता नहीं, तो आप पहले सवाल उठाई इनका पर। आप खुद बताई, का लॉर्ड कृष्णा जी और राधा जी दोस्त ना रही? का इनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक बंधन से जुड़ल रहे? का ये सिर्फ पति पत्नी रहन बुआ जी? और अगर ऐसा नहीं बा, इनकर दोस्ती के मिसाल अगर गलत बा, तो फिर काहे पूजल जा रहा है लोग के साथ में? काहे इतना मान्यता बा बुआ जी? अगर आप ये मिसाल के गलत माने नहीं, तो हटा देना इनका के। और अगर इनका के नहीं हटा सकत बुआ जी, तो हमार और हमरा पति के दोस्ती के रिश्ता पर सवाल मत खड़ा करी बुआ जी। हम एगो अच्छा सास, एगो अच्छा पत्नी, एगो अच्छा बहु होके से पहले एगो अच्छा दोस्त होके रिश्ता नहीं निभा सकत? गलत बाई सोच कि पति पत्नी के बीच के रिश्ता सब पहली रात के ही बन जाए के चाहिए। अगर कोई कारणवश रिश्ता ना बन पाए, तो का पति पत्नी के बीच के रिश्ता खोखला हो जाला? ऐसने मुकाम पर पति पत्नी के बीच के दोस्ती काम आवेला। ऐसन कमजोर समय पर ही सास बहु के बीच के दोस्ती काम आवेला। कहे खाती ना कहे नी बुआ जी, माने नी, माने नी कि फ्रेंडशिप एगो ऐसन शिप है जन कभी डूबेला ना। देखा गुड्डन बहू? ना बुआ जी, बहुत सुन लेनी हम, पर आज हमरा के बोले दी। हो सकेला कि हमारा टोन भी कुछ ऊपर नीचे हो गई लोके, हो सकेला कि हम कुछ ऐसा बोल दिले कि जना से आपके बुरा लाग गई लोके। ओकरा खाती कान पकड़ के सॉरी बुआ जी। इजे आपके लल्ला हवे ना बुआ जी, हमार पति। ये पहला दिन से जब से हमें घर में आयल बनी ना, कभी हमरा के महसूस ना होके देले कि हमरा से कुछ ना हो सकेला। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा किटकिट जरूर होत रहे, आज भी होता और आगे भी होत रहे। हम यह चाहत कहें कि किटकिट से जो दोस्ती से नया पनाइल बा, जो विश्वास भइल बा, ओकरा से ये साबित भइल कि अक्षत जिंदल के इतना महान काहे बोलल जाला। और हमरा गर्व पाई बात के बुआ जी कि इतना महान इंसान हमार पति हवे। और उकरा से भी ज्यादा खुशी ई बात के बा कि हमार पति हमार दोस्त हवे। आप कहले रही ना बुआ जी कि इस सीढ़ियन के देखा रिश्ता ठीक इस सीढ़ियन जैसन होला और दू के लांग के तीसरा पे ना पहुंचल जा सकेला।
दोस्ती उस सीढ़ियन के लांगे के जरिया है बुआ जी। दोस्ती में सीढ़ी ना गिनल जाला, प्यार देखल जाला। दीदी, गुड्डन बिल्कुल ठीक कह दिया। अगर हर रिश्ता में दोस्ती के मिठास आ जाए तो सारा गिला शिकवा सब खत्म हो जाए। गुड्डन से बेहतर पत्नी हमरे लल्ला के ना मिल सकेले। दीदी, आप अपन गुस्सा थूक दी ना, तो आज तक काहे ना अपने ली एक घर का बहू अपने सास के। आज भी कहे अधूरा भाई पति पत्नी के रिश्ता। भाभी, पुराना मर्यादा रीति रिवाज भले ही आप भूल गई होखे, पर हम नहीं की भूलल और ना ही कबो भूलब। बहुत बड़ अनर्थ करे जा रहल बानी आप। शक्ति और नरमी के एक जंग में नरमी से पेश आवल बहुत भारी पड़ी आपके। देखब आपो यही जबानी, हम यही बानी और गुड्डन भी, यहू के पता चली काहे शक्ति जरूरी है हर रिश्ता में। नरमी ना और दोस्ती तो बिल्कुल भी ना। बुआ जी, चाहे कोई भी मुसीबत काहे ना आ जाए, एगो सास, एगो बहू, एगो पत्नी, एगो परिवार और सबसे ऊपर एगो दोस्त होखे के नाते हमेशा डटल रहब। दादी, आपके हाथ में ना सच में जादू बता दी। इतना अच्छा चंपी ना आज तक हमार कोई नहीं के कहल। सच को होता नहीं, कसम से बहुत मजा होता। सासुमा, जादू तो आपके हाथ में भी कम नहीं खे। हमार महीनन के थकान निकल गए सचो। ई तक कुछ भी ना, हमरे लल्ला के चंपी के बहुत शौक रहा। हर रोज रात के हमरे पास आ जाता अपन तेल वाला शीशी लेके। अब तो अपने पास वक्त ही नहीं खे। अरे अरे अरे, सैड काहे होली हमार प्यारी सासू माँ। हम है ना आपके बहू, हमारी ना तेल के शीशी लेके वर्ल्ड बेस्ट चंपी करावे। कितना अच्छा लगेला सास बहू एक साथ खुशी खुशी से टाइम बितावे ली। काश ये बात शांति दीदी के भी समझ में आ जात, तो आज हमारे परिवार एक साथ होके। दादी, हम कितना बार कहनी कि आपके हसीन चेहरा पर ये उदासी भरे आंसू से हमरा सख्त नफरत है। आई हेट टीयर्स रे। आप, हम और लक्ष्मी बहू सास बहू के रिश्ता के ऐसन मिसाल कायम करम कि बुआ जी के हना अपन सख्ती वाला सोच के बदले के ही पड़ी। ठीक से ठीक से, शक्ति दखले कहाँ बाउट गुड्डना भाई तक। अगर हिम्मत तो देखा के तरह सबके सामने जुबान लड़ावत रहे, बदतमीजी करते रहे, काला गिलाओ के हाँ, वो हमार सोच बदल दी। एगो काम ठीक से करे ना आवेला। वैसे माफ कर दू, गलती से। कौन गलती से? गलती से गरम पानी ध्यान ना आए? गलती से एक आजकल कर लड़की बाड़ी ना जुबान लड़ावे के अलावा कुछ ना आवेला तू लोगन के। लेकिन देखी हा तू बहुत भारी पड़ियो के, बहुत भारी पड़ियो गुड्डन के। बुआ जी के चेतावनी से हम डर के भागे वाला नहीं खी दादी, हम डट के होकर सामना करब।
और आप दोनों बानी ना हमेशा हमारे साथ देवे खाती। आप बस अपन मूड ठीक करी। लक्ष्मी जी, अब हमरा भी बताई ना का खिचड़ी पकता आपके फोन में। अब ना सासुमा, कुछ भी ना हो, वरदान जी के मैसेज आयल बा। आजकल ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गेल बाड़े। हाँ हाँ, तो तब होइए भी का है ना। अब भाई पति हवे आपके, तो उनकर तो हक बनेला रोमांटिक होके के। अब हाँ हाँ सासुमा, बिल्कुल सही बात बा। पति बाड़े, पति के तो रोमांटिक होके के हक बनेला, है ना सासुमा? अब दादी हम आवता नहीं, हाथ धो के आवता नहीं। हाँ 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 हाँ, अच्छा से हाथ धो के आई। हाँ, जय 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 दादी, भेजी इनका के। हमार तो भगवान से ये प्रार्थना है कि गुट्टन और लल्ला के दोस्ती जल्दी प्यार में बदल जाए बस। दादी दादी दादी, हमरे पास एक आइडिया बा। आइडिया? हाँ, आप देखी गुड्डन सासुमा हमार दोस्त बड़ी। हाँ हाँ, तो दोस्त होके के नाते हमने उनका के कहा बोलल जाला, हेल्प हेल्प करे के चाहिए ना। कैसन हेल्प? हेल्प सासुमा और एजे के रिश्ता के आगे बढ़ावे के। हाँ, ये कैसे हो सकेला? वो दोनों आपस में तक कुछ कहिया ना, और हमने कुछ कहे के तो वो दोनों हमने के सुनी है ना। तो यही से तो हर जन प्लानिंग बना शुरू हो जाए से पहले फेल हो जाए के। हाँ दादी, प्लानिंग फेल तो तब हुई ना जब हमने कोनो प्लान बनाई। का बड़बड़ा रहल बड़ू तू? दादी आपके हम समझावता नहीं। देखी प्लान हमनी बनाई लेकिन नाम आई सिर्फ उ दोनों के। दादी आप ना हमार साथी सासुमा और एजे के पहला रोमांटिक डेट खातिर तैयार करे में। हाँ जौना गलती के दुकान के करेली आप हमेशा माफ, ओकरा साथ डेट पे चलेंगे क्या जिंदल साहब? गुड्डन, अब तक लल्ला के मैसेज भी गुड्डन तक पहुंचा देले हो कि लक्ष्मी बहू? गुड्डन आज शाम तू और हम डेट पे जाता नहीं, तैयार रहिए ठीक 8 बजे। एजे, अब सासुमा, कबाइल का छुपा रहा बानी? कुछ 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 ना अब, ना हो अब का बोलत रहनी हम कि कब या का करत आनी का भाई दीही दीही लक्ष्मी जी दीही। अरे बात तो सुनी। अरे अरे लक्ष्मी जी दीही, लक्ष्मी जी मेरी दीदी। सासुमा ऐसे कैसे? हम देख रहे खोला बार देखा कि मैं का बजे अब तक खुश हो खतरा नहीं। आई 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 आई। अच्छा रुकी, टाइम पक्का? टाइम टाइम आउट दे दी ना लक्ष्मी जी। हाँ लेकिन पहले हम पढ़े। अरे वाह, एजे के साथ डेट, मतलब शादी के बाद आपके पहला डेट है। वैसे को बात कही ससुमा, एजे भी ना कोनो कम रोमांटिक नहीं है। बाकी हमरा एक बात समझ में आई कि एजे आपके इनवाइट की जगह ऐसे ऐसे नोटिस का पिछले बारे, मतलब पूछे की जगह ऐसे कोर्ट के जैसे ऑर्डर का देता रे। हाँ है ना। हाँ अब छोड़ी छोड़ी इसम थोड़ी लक्ष्मी जी, एक बात कही। अब तो हमारे दोस्त है ना, आपकी तो कर सके नहीं। हमरा ना बहुत घबराहट सा होता, अब बहुत डर सा लगा था, एकदम ना अजीब अजीब सा फीलिंग आ होता। जिंदल साहब के साथ डेट पर कैसे जा सके नहीं हम, मतलब ना अब आपके पता बा हमरा डेट वेट पे जाए ना आवेला, मतलब कहा बताइए आप कि हमरा कुछ भी नहीं के पता। और आपकी एक बात बताई हम, हमरा ना एक बात ना समझ में आवेला,
लेकिन अपना बॉयफ्रेंड के साथ चाहे हस्बैंड के साथ खाए पिए जाली या पिक्चर उक्चर देखी जाली, डेट का ही बोलल जाला। हमरा समझ में ना आयला कि डेट के का मतलब होला, और अब हमरा जाना चीज के मतलब ही नहीं के पता, हम ऊपर कैसे जा सके नी? ना जा सके नी? हाँ, ना 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 ना, नहीं की जा सकत। अरे काहे ना जा सकेला, प्रॉब्लम का है? देखा ना, कितना प्यार से डेट पर बुला रहल बा तोहरा के, कम से कम वो कोशिश तो कर रहल भी है ना, और तू हवा की बस ऐसे मुंह बना के खड़ा पड़ा। माँ देखी, गुड्डन और हमारा रिश्ता वैसे नहीं है, हमने बस हमने दोस्त बनी और पति पत्नी भी। चला हम मानते नहीं तू दोनों दोस्त हुआ, पर का एगो दोस्त दूसरे दोस्त के साथ डेट पर ना जा सकेला? ओए हमने के दिन में तुहार पापा हमके कितना बार लेके गए रहना डेट पर, और आज अगर वो जिंदा होता ना तो हम तो अब भी डेट पर जाती। हाँ और तू हवा की बस। माँ हम गुड्डन के साथ डेट पे जाके करब का? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सास माँ एक दूसरा के समझा और का। अरे बाप रे लक्ष्मी जी हमरा ना बहुत अजीब सा लागत ना हमरे से डेट वेट पे गए ना हो पाई। अब सास माँ चुप 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 एकदम चुप, आप इतना डरत काहे बानी? इमें डरे वाला कौन सा बात बा? ए जी तो बड़े आप तो उनका के जाने नहीं ना। ओ एगो काम करी, फोन कहां बाप के आप ना इली फोन ली और ए जी के अभी मैसेज करी करी मैसेज। हां मैसेज। नो 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 सासुमा हम समझावता नहीं, अब ए जी आपके साफ-साफ शब्द में बल्ले पड़े है ना, तो का बोलल जाला ओकरा के? रिप्लाई रिप्लाई तो करे की पड़ी ना। हां तो लिखी। नो 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 यस। हां हां नो अब हां लिखी 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 ना। ना हो पाई ससमा हो पाई ना। हे कान्हा अब माँ के दामन छोड़ा और बीबी के आंचल पकड़ा। बेटा अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करा। हाँ बोल दो। हाँ एक मिनट माँ। यस गुड्डन हमके यस कहे लिख के भेजे तारी माँ? अरे वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगावल भूला गेल होखी ना, अपने नोट्स के जवाब पूछ रहल बिया तोरा से। अरे तू पर ऐसा शब्द में काहे उलझ रहल बाड़ा? ओकर फीलिंग ओकर जज्बात समझे की कोशिश करा बेटा। हाँ बोल तो बेटा। माँ ना हाँ हाँ